अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। केईएससी की निजकारी का केस है, सिंध हाई कोर्ट ने 15 साल बाद फैसला सुना दिया है। निजकारी के खिलाफ केईएससी लेबर यूनियन की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा क्या फैसला आया है। तमाम मुस्तरद कर दी और अदालत ने कहा की निजकारी क्यों नहीं हो सकती, अगर ये दरखास्त गुजार है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। अब अदालत ने जो गैर कानूनी अमल करार दिए जाने के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है की कानूनी थी और ये तमाम जो मामला थे 2005 में शुरू हुए थे उसके बाद ये मुसलसल केस चलता रहा। अदालत ने कहा है कि कानूनी अमल हुआ है और जो हुकूमत ने ये इकदाम उठाया था वो ठीक है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, केईएससी की निजकारी का केस है, सिंध हाई कोर्ट ने 15 साल बाद फैसला सुना दिया है। निजकारी के खिलाफ केईएससी लेबर यूनियन की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा क्या फैसला आया है। तमाम मुस्तरद कर दी और अदालत ने कहा की निजकारी क्यों नहीं हो सकती, अगर ये दरखास्त गुजार है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। अब अदालत ने जो गैर कानूनी अमल करार दिए जाने के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है की कानूनी थी और ये तमाम जो मामला थे 2005 में शुरू हुए थे उसके बाद ये मुसलसल केस चलता रहा। अदालत ने कहा है कि कानूनी अमल हुआ है और जो हुकूमत ने ये इकदाम उठाया था वो ठीक है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, केईएससी की निजकारी का केस है, सिंध हाई कोर्ट ने 15 साल बाद फैसला सुना दिया है। निजकारी के खिलाफ केईएससी लेबर यूनियन की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा क्या फैसला आया है। तमाम मुस्तरद कर दी और अदालत ने कहा की निजकारी क्यों नहीं हो सकती, अगर ये दरखास्त गुजार है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। अब अदालत ने जो गैर कानूनी अमल करार दिए जाने के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है की कानूनी थी और ये तमाम जो मामला थे 2005 में शुरू हुए थे उसके बाद ये मुसलसल केस चलता रहा। अदालत ने कहा है कि कानूनी अमल हुआ है और जो हुकूमत ने ये इकदाम उठाया था वो ठीक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, केईएससी की निजकारी का केस है, सिंध हाई कोर्ट ने 15 साल बाद फैसला सुना दिया है। निजकारी के खिलाफ केईएससी लेबर यूनियन की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा क्या फैसला आया है। तमाम मुस्तरद कर दी और अदालत ने कहा की निजकारी क्यों नहीं हो सकती, अगर ये दरखास्त गुजार है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। अब अदालत ने जो गैर कानूनी अमल करार दिए जाने के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है की कानूनी थी और ये तमाम जो मामला थे 2005 में शुरू हुए थे उसके बाद ये मुसलसल केस चलता रहा। अदालत ने कहा है कि कानूनी अमल हुआ है और जो हुकूमत ने ये इकदाम उठाया था वो ठीक है।